इस वीडियो में मैं इवेंजेलियन नियॉन जेनेसिस सीरीज के लास्ट 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर इवेंजेलियन के सभी प्रीवियस एपिसोड्स को देख लीजिए। और अगर सभी एपिसोड्स देख लिए हैं तो सबसे पहले तो सभी एपिसोड देखने के लिए थैंक यू। और अब आप इंजॉय करिए इवेंजेलियन के लास्ट 2 एपिसोड्स को। एपिसोड 25। इस एपिसोड की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है, व्हाई डिड यू किल हिम, तुमने उसे क्यों मारा। और ये क्वेश्चन पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि शिंजी इकारी ही है। शिंजी इकारी अपने मन में अपने आप से सवाल कर रहा है कि आखिर उसने किसी की जान क्यों ली। अब शिंजी अपने आप को जवाब देकर दिलासा देता है कि उसने कावुरो को इसलिए मारा क्योंकि कावुरो मरना चाहता था। अब दोबारा क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश होता है, तुमने उसे क्यों मारा, जहां शिंजी जवाब देकर फिर अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करता है, अगर मैं कावुरो को नहीं मारता तो इससे सभी की जान को खतरा होता। अब शिंजी के मन में अगला सवाल स्क्रीन पर फ्लैश होता है, तुमने उसे क्यों मारा, वो एक इंसान था। अब शिंजी अपने आप को दिलासा देता है कि कावुरो इंसान नहीं एक एंजल था। भाई यहाँ हमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी इंसानी सोच के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कोई इंसान जब गलती करता है तो वो अपने आप को उस गलती से उभरने के लिए मन ही मन दिलासा देता है। जैसे ये बात आप एक एग्जांपल से समझो। मानो आप सुबह घर से अपने दोस्तों से मिलने गए, आपको घर पर काफ़ी डांट पड़ी थी जिस कारण आप गुस्से से भरे हुए हो, ठीक है। अब आप अपने दोस्त से मिले तो वहाँ एक दोस्त ने आपको सर पर टिपली मार दी, ठीक है, मतलब मारते हैं ना वैसे, ठीक है। अब आप भाई गुस्से से तो पहले ही भरे हुए हो, ठीक है। अब ये गुस्सा आप निकाल देते हो टिपली वाले दोस्त पे, जिसके बाद आपको और टिपली वाले दोस्त की हो जाती है लड़ाई। अब आप लड़ लुड़ा के घर जाते हो और अब आप एकदम शांत हो, ठीक है। अब आप शांति से अपने मन से एक सवाल पूछते हो कि आखिर मैंने अपने दोस्त को क्यों मारा, जिसके बाद आप अपने आप को दिलासा देते हो कि उसने टिपली मारी थी। लेकिन इस जवाब के बाद आपका मन अब भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो आप दोबारा अपने आप से सवाल करते हो कि मैंने अपने दोस्त को क्यों मारा, जबकि मैंने भी अपने दोस्त को कई बार टिपली मारी है। जहां अब आप जवाब देते हो कि हाँ मैंने टिपली मारी है, लेकिन तब नहीं जब वो बुरे मूड में था। अब आप इस जवाब से भी सेटिस्फाई नहीं होते हो, आप फिर अपने आप से सवाल पूछते हो कि यार उसे थोड़े ही पता था कि मैं बुरे मूड में हूँ, जिसके बाद आप जवाब देते हो कि यार मैंने गलती से मार दिया। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, आपको कभी भी सेटिस्फाई करने वाला जवाब नहीं मिलेगा। आप जब तक इस गिल्ट से कि आपने उसे क्यों मारा बाहर नहीं आ पाओगे, जब तक आप अपने दोस्त से माफ़ी नहीं मांग लेते, क्योंकि आप गलती छुपा सकते हो, दबा सकते हो, लेकिन कभी भुला नहीं सकते। लेकिन गलती की माफ़ी मांगने के बाद आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है कि मैंने गलती करी बट मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी, और मैंने गलती की माफ़ी मांगी। यही आपका वो जवाब है जो आपको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन शिंजी इकारी के केस में शिंजी कावुरो से माफ़ी नहीं मांग सकता क्योंकि कावुरो मर चुका है। यानी शिंजी अब इस गिल्ट से कि उसने कावुरो को क्यों मारा कभी भी बाहर नहीं आ सकता। अब वो हमेशा कावुरो की जान लेने के गिल्ट में रहेगा। शिंजी जिंदगी भर अपने आप से सवाल पूछेगा कि उसने कावुरो को क्यों मारा, बट कभी भी शिंजी इस सवाल का सेटिस्फाई करने वाला जवाब नहीं ढूंढ पाएगा। अब कावुरो के कुछ फ्लैशबैक शिंजी को आते हैं, जिसके बाद हमें शिंजी और मिसातो दिखाए जाते हैं, जहां शिंजी नदी किनारे बैठा हुआ है और मिसातो से पूछता है क्या मैंने कावुरो को मारकर ठीक किया, जिस पर मिसातो कहती है हाँ मरना उसकी इच्छा थी। ये एपिसोड 24 का एंडिंग सीन है। अब शिंजी के मन में दूसरा सवाल उठता है कि तुम किससे डरते हो, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, जहां शिंजी अपने आप को जवाब देता है कि वो डरता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, उसकी मदर उसे पसंद नहीं करती, उसके फादर उसे पसंद नहीं करते। फिर शिंजी कहता है व्हाट विल आई डू इफ पीपल हेट मी, मैं क्या करूं अगर लोग मुझसे नफरत करते हैं तो। अब नेक्स्ट सीन में शिंजी एक अननोन जगह पर होता है जहाँ वो मिसातो को ढूंढता है। फिर आशुका, अयानामी, तोजी, केंसुके, रित्सुको, काजी, फादर, मदर, सबको वो आवाज मारता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि ये शिंजी के अंतर्मन की वो गहराई है जहाँ वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। अब नेक्स्ट सीन में शिंजी इवेंजेलियन 1 के सामने होता है, जहाँ शिंजी को इवेंजेलियन 1
पकड़ लेता है, जैसे पिछले एपिसोड में शिनजी ने काबुरू को पकड़ा था, और ये कुछ और नहीं बल्कि शिनजी का गिल्ट है। अब यहाँ शिनजी कहता है, मैंने ईवा को चलाया और उसे मारा जो मुझे प्यार करता था, और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं अपने फादर की सुनूं। यहाँ इंसानी दिमाग की दो तरफा सोच को हमें दिखाया जा रहा है, जहाँ एक तरफ तो शिनजी सोचता है कि उसे अपने फादर की बात माननी चाहिए, वहीं दूसरी ओर वो सोचता है कि वो ऐसा क्यों करे। अब शिनजी अपने आप से तीसरा सवाल पूछता है, Why do you pilot the Eva? तुमने ईवा को क्यों पायलट करा? जहाँ शिनजी अपने आप को जवाब देता है कि लोगों ने उसे ईवा पायलट करने को कहा। बट दिस इज नॉट अ सेटिस्फाइंग आंसर। इस जवाब से शिनजी संतुष्ट नहीं कर पाता अपने आप को, तो वो दोबारा अपने आप से सवाल करता है, तुमने ईवा को पायलट क्यों करा? जहाँ शिनजी जवाब देता है, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा था। अब शिनजी अपने आप से कहता है, तो तुमने ईवा को चलाया दूसरों के लिए? जहाँ शिनजी फिर अपने आप को जवाब देता है, हाँ ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है दूसरों के लिए कोई काम करना। मैं ईवा को चलाऊंगा तो दूसरे लोग मुझे दुआ देंगे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अब आशुका शिनजी के माइंड में आती है, जहाँ वो कहती है, ये झूठ है, तुम कितने बुद्ध हो, तुमने ये सब अपने लिए करा और अब तुम अपने आप से बहाने बना रहे हो। तुम ये सोचोगे कि तुम मेहनत कर रहे हो दूसरों के लिए, और ये सोच के तुम आसानी से ज़िंदगी जियोगे। दूसरे शब्दों में कहें तो शिनजी, तुम बहुत अकेले हो। अब शिनजी जवाब देता है, हाँ तुम सही हो। जहाँ आशुका कहती है, तुम चाहते हो कि लोगों को तुम्हारी ज़रूरत पड़े। अब शिनजी फिर कहता है, हाँ तुम सही हो। जिसके बाद आशुका कहती है, तुमने चाहा कि लोग तुम्हें खुशियाँ दें, झूठी खुशियाँ। तभी आशुका के पीछे से रे की आवाज़ आती है, जो कहती है, तुमने भी यही करा। अब कहानी मुड़ती है हमारी सेकंड कैरेक्टर आशुका की ओर, जहां आशुका अपने इवेंजलियन में बैठी होती है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आशुका का माइंड है, जहां वो इमेजिन कर रही है, क्योंकि रियलिटी में तो वो नर्व हॉस्पिटल रूम नंबर 303 में काफ़ी बीमार पड़ी हुई है। अब यहां आशुका सोचती है कि मुझे नहीं पता मैं कब ठीक हुई, लेकिन मैं अब इवेंजलियन के अंदर हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। उसकी किसे ज़रूरत है जो अपने इवेंजलियन को कंट्रोल नहीं कर सकती? आशुका अपने आप से ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि पिछली बार वो अपना सिंक रेट ड्रॉप के कारण इवेंजलियन को नहीं चला पाई थी। अब आशुका रे को इमेजिन करती है, जहां रे कहती है, तुम डरती हो अकेले होने से, तुम अपने आस पास के लोगों से डरती हो कि वो तुमसे दूर ना चले जाएं। आशुका ये सब सुन मेंटली टॉर्चर्ड होने लगती है। केस 3। अब तीसरे कैरेक्टर रे को दिखाया जाता है, जहां रे अपने आप से सवाल करती है, मैं कौन हूँ? जहां वो जवाब देती है, रे अयानामी। फिर रे पूछती है, तुम कौन हो? जहां रे कहती है, रे अयानामी। अब रे की 3-4 क्लोन उसके माइंड में आती हैं, जो उसकी प्रीवियस क्लोन्स की मेमोरी है, जहाँ रे खुद से कहती है, मैं भी रे हूँ, तुम भी रे हो, हम सब रे अयानामी हैं, हम सब क्लोन्स एक चीज़ हैं जिसे लोग रे अयानामी कहते हैं, हमारा इसके अलावा कोई भी वजूद नहीं है। आगे रे सवाल पूछती है, तुम किससे डरती हो? जहां रे जवाब देती है, तुम अपने ज़िंदा रहने से डरती हो, तुम डरती हो कि तुम सबके दिलों से मिट जाओगी। यहां रे एक क्लोन है तो ऐसा ही कुछ सवाल अपने आप से पूछेगी। एंड में उसके माइंड में गेंद आते हैं और कहते हैं, तुम इसी दिन के लिए ज़िंदा थी रे, आज के दिन के लिए चलो। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है, ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी बिगिन, यानी कि यहाँ ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी की शुरुआत हो गई है। और ये सीन जो यहाँ पर रे गेंदों को लेकर चले जाते हैं, ये सीन हमें आगे इवेंजलियन की मूवी में दिखाया जाएगा कि अगर वो कहाँ लेकर जाते हैं और कैसे ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी बिगिन होता है, ठीक है। फिर आगे लिखा आता है, दैट वॉज बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ पीपल, यानी ये लोगों की इंस्ट्रूमेंटेलिटी की शुरुआत है। फिर लिखा आता है, व्हाट पीपल आर लैकिंग, लोगों की कमी क्या है? लोगों की कमी है दूसरों के दिल से निकलना, मतलब एक ऐसा डर, अकेले होने का डर, मतलब पूरी दुनिया में अकेले रहने का डर, जहां कोई भी उनका साथ ना दे, कोई भी उन्हें ना चाहे। अब आगे गेंदो को दिखाया जाता है, जहां गेंदो कहता है, ये कुछ भी नहीं की ओर वापसी नहीं है, बल्कि हम सब सभी चीज़ों को वापस लाएंगे उनके असली रूप में। हम सब अपनी माँ के पास जाएंगे, जिन्होंने भी अपनी माँ को इस दुनिया में खोया है, यानी कि जिन्होंने भी अपनी माँ को इस दुनिया में गवा दिया है, वो सब उनके पास चले जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए
कि आखिर ये ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रोजेक्ट किस चीज़ के ऊपर हो सकता है। ऑफकोर्स सोल्स के ऊपर, यानी आत्माओं को एक साथ लाने के ऊपर। एंड में गेंदु कहते हैं सभी आत्माएं एक होंगी। अब ये जो सीन है ये रियलिटी का सीन है, मतलब ये इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियलिटी सीन है जो कि मूवी में आगे दिखाया जाता है। यहाँ रित्सुको और मिसातो मर जाती हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ मरी पड़ी हैं, तो ये मर जाती हैं। आगे मूवीज़ में दिखाया जाएगा, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब बताऊँगा इसके बारे में। अब मिसातो कहती है तो यही है ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रोजेक्ट, जहाँ रित्सुको उसे जवाब देती है हमारे मन में हमेशा एक खाली जगह होती है, हर इंसान अपने मन की काली गहराई से डरता है और अपनी पूरी ज़िंदगी उससे भागता है, जबकि वो जानता है कि वो कभी भी अपने दिल की काली गहराई से नहीं बच पाएगा। यहाँ पर ये जो दिल की गहराई की बात हो रही है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हर ह्यूमन के अंदर एक गिल्ट ज़रूर होता है जिससे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी उस गिल्ट से नहीं भाग सकता क्योंकि वो गिल्ट उसके अंतर मन में ही रहता है हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद मिसातो कहती है तो तुम इसलिए सभी आत्माओं को एक करना चाहती हो, क्योंकि अगर सभी आत्माएं एक हो गई तो फिर कुछ गिल्ट बचेगा ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि सभी आत्माएं एक साथ हो जाएंगी। तो जैसे कि आपको किसी का खोने का गिल्ट था तो आपको वो मिल जाएगा, आत्मा मिल जाएगी उसकी, तो भाई आपको क्या गिल्ट रहेगा। इसलिए सारे गिल्ट मिटाने के लिए ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रोजेक्ट है, आत्माओं को एक करने के लिए। अब रित्सु को कहती है तुम भी तो यही चाहती हो। अब हम ऐसा समझ पाते हैं कि आखिर रित्सु को क्यों कहती है ऐसा कि तुम भी यही चाहती हो, क्योंकि अंतर मन में वो चाहती है अपने डैड से मिलना जो कि मारे गए थे, और अब वो मारे गए थे तो उनकी सोल है अभी भी, क्योंकि सोल एक ऐसी एंटिटी है जो कि कभी भी नहीं मर सकती, एक ऐसी एनर्जी है जो कभी भी एंड नहीं हो सकती, तबाह नहीं हो सकती। और मिसा तो चाहती है अपने डैड से मिलना, तो वो कैसे मिल पाएगी, सोल के थ्रू। जब सभी सोल्स एक साथ हो जाएंगी तो वो अपने डैड से मिलेगी, यानी कि मिसा तो भी कहीं ना कहीं चाहती है इंस्ट्रूमेंटेलिटी को बिगिन करना। ठीक है, सीन चेंज होकर मिसातो के माइंड पर आता है, जहाँ मिसातो के दिमाग में सिंजी आता है। वो कहता है कि मैंने अपने आंतरिक स्वरूप को ढूंढने की कोशिश करी, मैंने अपने आंतरिक मन में मिस मिसातो को ढूंढने की कोशिश करी जो मेरे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। ये वही सीन है जहाँ सिंजी मिस मिसातो को आवाज़ लगा रहा था अपने आंतरिक मन में, ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, अब सिंजी कहता है मिस मिसातो क्या आप यही चाहती थी, जिसके बाद एक क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश होता है, You want to be a good girl, तुम एक अच्छी लड़की बनना चाहती थी। जहाँ मिसातो कहती है हाँ। अब क्वेश्चन उठता है क्यों, वाई। मिसातो जवाब देती है क्योंकि मेरे फादर मेरे पास नहीं है, मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ और एक अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी मदर की तरह नहीं बनना चाहती क्योंकि मेरी मदर हमेशा फादर के जाने के बाद रोती रहती हैं, मैं रोना नहीं चाहती, इसलिए मैं अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि मेरे डैड मुझसे नफरत ना करें, लेकिन मैं अपने डैड से नफरत करती हूँ। जो पहले की बातें थी वो मिसातो के बचपन की थी और ये अब की बात है, लेकिन मैं अपने डैड से नफरत करती हूँ, इसलिए मैं अच्छी बनने से नफरत करती हूँ, मैं अब अपने बचपन की सभी बातों को भूलना चाहती हूँ। अब यहाँ मिसातो अपने आप से काफ़ी सारे सवाल पूछती हैं, जहाँ उनके अंतर्मन की गहराई अलग अलग कैरेक्टर्स में आकर उन्हें गलत साबित करती है और मिसातो के बारे में कुछ सच्ची बातें बोलती है, जिसके बाद मिस मिसातो उन सभी बातों को झुठलाने की कोशिश करती हैं और मेंटली डिस्टर्ब होने लगती हैं। अब शीन चेंज होकर आसुका पर आता है, जहां सिंजी आसुका के माइंड में आता है और आसुका से सवाल करता है आसुका तुम्हें क्या चाहिए, जहां आसुका कहती है मुझे अकेले जीना है अपने दम पर, मुझे मेरे माता पिता की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आसुका अपने पास्ट के बारे में भी सोचती है कि कैसे उसकी मदर ने उसे छोड़ एक डॉल को अपनी बेटी मानना शुरू कर दिया जब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, और आसुका की मदर इसलिए मेंटली डिस्टर्ब हुई क्योंकि आसुका के डैड उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे। अब स्क्रीन पर फिर क्वेश्चन फ्लैश होता है व्हाट शी वांट, वो क्या चाहती है, जहां आसुका कहती है कि मैं अकेले जीना चाहती हूं लेकिन मुझे अकेले नहीं रहना। यहां इंसान की दोहरी सोच का उदाहरण हमें दिया जा रहा है कि एक तरफ तो आसुका चाहती है वो अकेले रहे, लेकिन दूसरी तरफ वो चाहती है कि वो अकेले ना रहे। अब यहाँ सिंजी को दिखाया जाता है जिसके साथ मिसातो थी। मिसातो सिंजी से कहती हैं ये ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रोजेक्ट है जिस पर तुम्हारे डैड काम कर रहे थे। अब यहाँ सभी कैरेक्टर्स सिंजी के माइंड में आकर उसे भरोसा दिलाते हैं कि यही है जिसकी तुमने इच्छा करी थी, ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रोजेक्ट, यही है दुनिया का अंत जिसे तुमने चाहा था। तो बेसिकली इस एपिसोड में हमें ह्यूमन साइकोलॉजी लाइक अकेले होने से डरना,
पास्ट को ना भूल पाना, गलती की माफ़ी ना मांग पाना, लोगों की बातों से डरना कि लोग क्या कहेंगे, यही सब दिखाया जाता है। एपिसोड 26। यहाँ सिंजी इकारी अपने अंतर्मन में सोचता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं इस दुनिया में आऊं। आई एम अनवांटेड चाइल्ड। जहाँ मिसातो उसे कहती है कि तुम डरते हो कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, तुम डरते हो ये दिखाने से कि तुम कमज़ोर हो। जहाँ शिंजी कहता है आपने भी तो ऐसा ही करा। जहाँ मिसातो कहती है हाँ हम सब ही सेम हैं। जिसके बाद रे रित्सुको आशुको भी उससे यही कहती हैं। अब यहाँ सभी कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। जहाँ बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डू यू अलाइव, तुम जिंदा क्यों हो। इसके बाद आशुका शिंजी से सवाल करती है तुम दर्द में हो। फिर मिसातो भी शिंजी से कहती है तुम दर्द में हो। जिसके बाद रे आती है, वो कहती है कि तुम अगर नफरत करते हो तो भाग जाओ। जहाँ शिंजी कहता है नहीं मैं भागना नहीं चाहता। यहाँ पर जिस चीज़ की बात हो रही है वो है शिंजी का गिल्ट, शिंजी की सोच। इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस कैरेक्टर शिंजी से पूछते हैं तुम क्यों जिंदा हो, तुम दर्द में हो, तुम भाग जाओ, तुम ईवा को पायलट क्यों करते हो। जिसके बाद शिंजी जवाब देता है मैं ईवा को पायलट करता हूँ क्योंकि ईवा को चलाने से पहले मैं कुछ नहीं था, मेरी कुछ भी वैल्यू नहीं थी, मुझे नर्व में आने दिया गया क्योंकि मैं ईवा को चला सकता हूँ। जिसके बाद आशुका रे और शिंजी कहते हैं कि ईवा को चलाने के अलावा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद शिंजी कहता है मैं अपने आप से नफरत करता हूँ। इसके बाद फ़ोन में से कैरेक्टर्स की साउंड आती है जैसे शिंजी के दोस्त रे आशुका रित्सुको मिसातो काजी फ्यूत्सुकी और ये सब लोग एक ही बात शिंजी से कहते हैं आई हेट यू। जिसके बाद शिंजी कहता है देखो सब मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं खुद भी अपने आप से नफरत करता हूँ। यहाँ शिंजी ही अपने बारे में गलत सोच रहा है और अपने ही आप को गिल्ट में डाल रहा है। ठीक है, अब यहाँ शिंजी और भी कई सवाल अपने आप से पूछता है। इसके बाद हमें एक अलग रियलिटी दिखाई जाती है जहाँ ईवाज नहीं है, एंजल्स भी नहीं है, शिंजी की मदर जिंदा हैं। शिंजी स्कूल जाता है जहाँ वो एक आम बच्चे की ज़िंदगी जीता है। इसके बाद शिंजी अपने आप से कहता है कि ये एक और रियलिटी है जिसे मैं जी सकता हूँ। जिसके बाद सभी कैरेक्टर उससे कहते हैं हाँ तुम इस रियलिटी को जी सकते हो। इसके बाद शिंजी कहता है मैं जी तो सकता हूँ लेकिन मैं अब भी अपने आप से नफरत करता हूँ, मैं इसका क्या करूँ। जिसके बाद शिंजी कहता है कि मैं अपने आप से नफरत करता हूँ लेकिन इस रियलिटी में, लेकिन जो दूसरी रियलिटी है वो एक अलग पॉसिबिलिटी है जिसे मैं रियलिटी बना सकता हूँ। एंड में सभी लोग शिंजी को ये फैसला लेने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एक अलग रियलिटी को चुनने के लिए। ये फैसला कुछ और नहीं बल्कि ये ही है ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रोजेक्ट जिसे शिंजी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं सीधा सीधा पूरी सीरीज एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि आखिर पूरी सीरीज में क्या हुआ। असल में एपिसोड 1 जब गेंदो ने शिंजी को ईवा को पायलट करने कहा तभी से गेंदो का ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। गेंदो का प्लान था शिंजी को उस हद तक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करना कि वो अंत में ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे और अपनी रियलिटी को छोड़ दे, क्योंकि शिंजी शुरुआत से ही वो लड़का है जो इस प्रोजेक्ट को ट्रिगर कर सकता है। अब गेंदो ने कैसे शिंजी को मेंटली डिस्टर्ब करा। गेंदो ने पहले तो शिंजी को एहसास दिलाया कि ईवा को पायलट करने के अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद शिंजी ने एंजल्स को मारना शुरू करा जिससे शिंजी के अनकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो गया कि एंजल्स को मारना ज़रूरी है। फिर गेंदो ने शिंजी के दोस्त तोजी को यूनिट 3 का पायलट बनाया लेकिन तभी यूनिट 3 में एंजल आ गया। जिसके बाद गेंदो ने डमी सिस्टम द्वारा यूनिट 3 को मरवाया जिससे तोजी को काफ़ी नुकसान हुआ और उसे काफ़ी चोट आई और ये सब शिंजी ने अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद शिंजी के दिमाग पर इम्पैक्ट पड़ा कि अगर मैं ईवा को पायलट नहीं करूँगा तो कई लोगों को इससे तकलीफ होगी और उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। फिर सील ने कावुरो को भेजा जो एंजल था बट उसने शिंजी को यह भरोसा दिलाया कि वही एक अकेला है जो उसे प्यार करता है और उसकी वैल्यू वॉर्थ को मानता है। लेकिन एंड में शिंजी को कावुरो को मारना पड़ा क्योंकि वो एंजल था और शिंजी के माइंड में बात भरी गई थी कि एंजल को मारना ज़रूरी है, इसलिए उसने कावुरो को मार दिया। बेशक वो ह्यूमन फॉर्म में था लेकिन फिर भी शिंजी ने उसे मार दिया। अब यहाँ सील का पहले से ही प्लान था कि
शिनजी कावुरो को मारेगा और कावुरो की भी इच्छा थी कि शिनजी उसे मारे। चाहता तो कावुरो डिफेंड अटैक कर सकता था क्योंकि वो भी एक एंजल है, वो इतनी आसानी से तो नहीं मरता, लेकिन फिर भी वो मरा क्योंकि शुरुआत से ही प्लान यही था कि शिनजी कावुरो को मारेगा। जिसके बाद शिनजी के मन में किसी की जान लेने का गिल्ट क्रिएट होगा। इसके बाद शिनजी पूरी तरह से मेंटली ट्रिगर्ड हो जाएगा और वो अपने आप से नफरत करने लगेगा, अपने आप को हेट करने लगेगा, और वो ऐसा ही करने लगा। जिसके बाद उसने सारे गिल्ट से बाहर आने के लिए अपनी एक अलग रियलिटी को एक्सेप्ट करा, और ये अलग रियलिटी थी गेंदो का ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रोजेक्ट। अब अगर आपको ये सीरीज समझ आ गई है और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। जो भी लोग कहते हैं कि उन्हें 25 और 26 एपिसोड समझ नहीं आया, उन सभी को आप ये वीडियो भेज देना, और इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।